नमस्कार, मैं निधा भानु और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। प्रसपा के लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 जून को हुई घटना के संबंध में आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल पर एफआईआर दर्ज कराने की प्रशासन से मांग की है और प्रशासन पर भी सुनवाई ना करने के आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद के साथ मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। धन्यवाद। पहले मैं अपना परिचय हाँ बता दीजिए पूरा करने। मैं मनीषा सिंह चौहान, पिछले 19 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से प्रसपा से लोकसभा की प्रत्याशी रही हूँ। वर्तमान में महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी, नितिन भैया के साथ अभद्र व्यवहार होने के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की, जिससे कि हम उनके सांसद जी के द्वारा करे गए अभद्र व्यवहार का विरोध कर सकें। दरअसल तो सांसद जी को ये व्यवहार जो उन्होंने करा है वो बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमारा कार्यक्रम जो पिछले 60 दिनों से चल रहा था नितिन भैया और अन्य पार्टी के सहयोगियों द्वारा, वो पूरे सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए और समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा प्रोग्राम था जो हमने तन मन धन से बहुत अच्छे से पूरा करा। लोगों को इसमें काफ़ी तरह की परेशानियां हुई, कार्यकर्ताओं को बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, तो उसका हमें क्रेडिट ना मिलके उसके लिए हमें अपमानित किया जा रहा है सांसद जी द्वारा। हमारे नितिन भैया की बेइज्जती करी जा रही है, हाथापाई करी जा रही है, मारपीट करी जा रही है, ये बड़ा निंदनीय अपराध है। क्या रणनीति रहेगी? हम जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, बल्कि हम सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, हमारे शिवपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ भी उन्होंने मीडिया में काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। उस अभद्र भाषा के लिए भी उन्हें हम मां नानी का दावा कर सकते हैं। हम भी उनसे बराबर से टकराने के लिए तैयार हैं, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम उनसे पूछते हैं अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं। जो काम सांसद और विधायक को करना चाहिए वो प्रसपा के लोग कर रहे हैं। सांसद और विधायकों का काम हम 60 दिन से कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमें शाबाशी नहीं दे सकते, हमारी बड़ाई नहीं कर सकते, तो हमें जेल में भिजवाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप बताइए कि आपने क्या किया इतने दिनों में, आप अपने कामों की हमें रिपोर्ट दीजिए। सांसद को जितना बोलना काम करना चाहिए ना, यहाँ पे सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ ना, राशन बटा ना। ठीक है, आगे की क्या आपकी रणनीति है? आप लोगों के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से लॉकडाउन हुआ है पूरे 70 दिन से हम शासन प्रशासन के माध्यम से खाना वितरण कर रहे थे, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कार्य में जुटे हुए थे, चाहे उसमें प्रवासी मजदूरों को बस से द्वारा अपने उनके गांव भेजा जाना हो तो हम लोगों ने किया, और सब चीज़ें पुलिस प्रशासन के माध्यम से परमिशन के साथ किया, जिसका हमें पास भी मिला हुआ था। पर लगातार हमारी लोकप्रियता बढ़ती हुई देखकर और जनता का जुड़ाव हमसे होते हुए देखकर सांसद एसपी सिंह बघेल बौखला गए। जो अगर आप मेरी फेसबुक भी देखेंगे, हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको फेसबुक पे लाइव भी कर लेते हैं, पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन हो रखा है, उसमें पूरा लाइव चल रहा है। हमारे घर के बाहर गोले खींचे हुए हैं जिसमें लोग खड़े होते हैं, एक एक मीटर की दूरी पर लोग खड़े हैं और हम प्यार से आराम से राशन उनका वितरण करते हैं, जो जिसके ज़रूरतमंद है, और उनके हमारे पास ID प्रूफ भी है। एकदम सांसद जी पूरी 2 गाड़ियों से भर के आते हैं। सबसे पहले तो नियम उन्होंने ही तोड़ दिया, जबकि नियम ये है कि 1 गाड़ी में 3 जने बैठ सकते हैं। सांसद जी की गाड़ी में 5-5, 6-6 बंदे एक एक गाड़ी में, दोनों गाड़ियों में बैठे थे, एक फॉर्चुनर एक स्कॉर्पियो, जिससे जब वो उतरे तो हमने सोचा कि हम आशीर्वाद दें और हो सकता है ये हमें अप्रिशिएट करने आए हैं। देखकर हमने जैसे ही आशीर्वाद लिया तुरंत हमें अड़काते हैं कि ये क्या कर रहा है, तू ये नेता नहीं बनने दूंगा, तुझे गुंडा बना के रहूँगा, और तुरंत अपने लोगों से कहते करो इन पर मुकदमा सालों पर। एकदम उनका एक कोई साथी हमारे बगल में जो साथी खड़ा होता है उस पर एक थप्पड़ मारता है, जिसको पब्लिक देख के उग्र हो जाती है, और महिलाओं ने ये कहा कि ये हमारे मदद कर रहे हैं और तुम इन्हीं को मार रहे हो, खुद तो खिला नहीं पा रहे हो और इनके ऊपर मुकदमा कराने आ गए हो, जिसको देखकर महिलाओं को उग्र देखकर सांसद जी घबरा गए और उन्होंने भाग दौड़ लगा दी। ये इसकी सीधी सीधी वीडियो भी हम लोगों के पास है, जो हमने सोशल मीडिया में वायरल कर दी और आप लोगों के पास भी मुहैया करा दी है। उसके बाद सांसद जी 100-200 मीटर दूरी पर जाकर खड़े हो गए, और जब ठीक 15 मिनट बाद पुलिस आ गई, पर जो आप भीड़ देख रहे हैं वो पहले पूरी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थी। सांसद जी की ही वजह से, जो उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ दिया, हल्ला कर दिया, उसकी वजह से जो सोशल डिस्टेंस बना हुआ था वो सारी भीड़ एकत्रित हो गई।
क्योंकि कहीं भी अगर माहौल ख़राब हो जाता है तो फिर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता है। और खुद कितने सोशल डिस्टेंस का पालन करते आ रहे हैं, अगर ये पिचकारी सैनिटाइजर लेके चलते हैं तो उसके 100-100 लड़के इनके पीछे चलते हैं, पूरे ट्रैक्टर में बैठे होते हैं तो 6 लड़के ट्रैक्टर में पूरे चिपक के बैठे होते हैं, क्या ये सोशल डिस्टेंस का पालन है? और अगर चलिए हम सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको किसने हक दे दिया कि कानून अपने हाथ में ले लेंगे या थप्पड़ मार देंगे? आप पुलिस को बुलाते, पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस आके कार्रवाई करती, ना कि आप खुद उधर आके थप्पड़बाजी करते, मुख्यमंत्री गुंडाई करते। क्या ये कानून सांसद जी को अपने हाथ में लेने का परमिशन है? आप लोगों की तरफ से भी तहरीर दी गई है, क्या कार्रवाई कुछ नहीं हुई है? हमने लगातार SSP साहब को फ़ोन किया पर हमारा फ़ोन नहीं उठ रहा है। हमने थाने पे अपनी तहरीर भी दी है पर उसका अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया हुआ है। और हमने SSP साहब के उस पर व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज दोनों कर दिए हैं, वो मैंने टाइम मांगा हुआ है पर उसका अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। PRO को नंबर पर फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि कप्तान साहब अभी मीटिंग में है। प्रकरण को लेकर कुछ ज्ञापन भी दिए गए हैं प्रदेश में? बिल्कुल, अलग अलग जिलों में इस सांसद जी के खिलाफ ज्ञापन दिया जा रहा है। आज सुबह बांदा, गोंडा, मेरठ में राज्यपाल महोदय के नाम पर सांसद जी के खिलाफ ज्ञापन दिया जा चुका है। और अगर जल्द ही सांसद जी पर कार्रवाई नहीं होती है कि मेरे पे तो आपने सोशल डिस्टेंस का कानून का उल्लंघन का केस कर दिया, पर मेरे घर पर जो सांसद जी ने हमला किया, जो मार पिटाई करी, उसका मुकदमा कौन करेगा? इसके अलावा आपने SSP के अलावा कप्तान साहब के अलावा किसी और अधिकारी से मिलने की कोशिश करी आप लोगों ने? कोई भी हमारे फोन नहीं उठा रहा है, मेरे पास सबकी डिटेल्स है, मैं आपको मैसेज दे दूँगा। प्रेस की है, सब लोग जानते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से हमारी पार्टी के नेता रोहिया वानी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नितिन कोहली जी लगातार गरीबों मजदूरों की सहायता कर रहे हैं, चाहे राशन बांटने का काम हो, चाहे प्रवासी लोगों को लाने का छोड़ने का काम हो, चाहे खाना देने का काम हो, हम लोग सभी लोग इस काम में जुटे हुए थे। 2 तारीख को समय लगभग 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ के सांसद SC सिंह बघेल 2 गाड़ियों के सहित आते हैं और आने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी, गुंडागर्दी, मारपीट करते हैं। जब वहाँ की महिलाएँ और वहाँ गरीब महिलाएँ बैठी थी, उन्होंने घेरने का काम किया, खदेड़ने का काम किया। हम लोग चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इतना दबाव प्रशासन पर बना हुआ है कि 184 धारा में 188 में मुकदमा कायम माननीय अध्यक्ष जी पर हो गया है। हम लोग मांग करते हैं या तो कानूनी कार्रवाई हो। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह को अवगत करा दिया है। 2-4 दिन के बाद में यहाँ लखनऊ से डेलीगेशन आएगा, हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी मांग रखेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। किस टाइप का आंदोलन आप लोग करेंगे? अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो किस टाइप का आंदोलन आप करना चाहेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे, या तो हमारी बात रखी जाए। भाई हम लोग गरीबों के लिए अनाज हो, आटा हो, खाना हो, सब वितरण कर रहे हैं, ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। बट आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इस बारे में क्या? सब निराधार गलत है, ये सब जानते हैं कि नितिन कोहली बहुत दिन से कर रहे हैं, करीब 65-70 दिनों से कर रहे हैं, जब से कुछ नहीं हुआ है। सांसद जी हम देखा है, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, सांसद जी 50-50-100 लोग लेके जा रहे हैं, कोई वो नहीं लेके जा रहे हैं। लोकप्रियता प्रति से समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पालन हो रही है। अपनी वाहवाही कराने के लिए ये कोरोना बम नहीं है, हम 2 आदमी खड़े हो जाएं तो कोरोना बम, और ये अगर इकट्ठे 100 आदमी खड़े हो जाएं तो कोरोना योद्धा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।